बड़े नसीबों से चुराया है मैंने साली हमारी किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है जरा रहना दिल के करीब होके कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी वो बस बादल समझता है वो मुझसे दूर कैसी है मैं उसे दूर कैसा हूँ ये उसका दिल समझता है ये मेरा दिल समझता है चार मिसरों में तवज्जो इरशाद तवज्जो 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 अगर मैं जो कह मोहब्बत है तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है भाई हम हंसी मजाक वाले लोग हैं दिल तोड़ने वाले नहीं है हम इंजॉय के साथ चचा ने दिए क्या बेटा दूध पी लियो इसका रियाज भाई शेर सुने के क्या करेगा अगर रियाज भाई और सभी सामान से अगर मैं जो कह तू मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत ना समझना ये करेंगे तीसरी दूसरी कहूंगी मैं हमारी सालियों को ऐसी बात नहीं है जीजाओं का मजाक चलता है अगर मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत ना समझना कि मेरी जरूरत हो तुम कि मेरी जरूरत हो तुम अजीम भाई सुनिएगा जरा भूकंप लेकर आएगा क्या शिवा मोहब्बत करने वाले भी अजब इंसान होते हैं अच्छा क्या कर डाला इन्हें गम अच्छा लगता है खुशी अच्छी नहीं लगती मोहब्बत में पिछड़ते वक्त का अंजाम होता है मोहब्बत में जुदाई की घड़ी अच्छी नहीं लगती मोहब्बत में जुदाई की घड़ी अच्छी नहीं लगती लेकिन गजल को आईना भाई शेर सुनना जरा अभी 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 कह रही थी सोलह सिंगार देखो इधर देखो सोलह सिंगार की बात नहीं है ये शेविंग भी शायद भाई ने करी है आज मेरी दुकान खोल के पलट
अल्लाह का करम है, खूबसूरत बचपने से खूबसूरत है, क्या करे तुम लोगों के गांवों में काले हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है पेंटर साहब, तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। तुम लोग अपना अपने मेकअप करके बैठो, मैं बगल में। क्या बात है, क्या बात है। कहना है कि गजल को आईना करने में वक्त लगता है मोहम्मद अजीज साहब, नई दुल्हन को। शुक्रिया बहुत बहुत। गजल को आईना करने में वक्त लगता है, नई दुल्हन को। ए शिवा, क्या बात है शिवा, कौन आ गया? हंसी तो फंसी, मुस्कुराई तो जेब में आई। ऐसे नहीं, ऐसे बेटा, तुम्हारी अभी तुम्हारी जवान सीढ़ी है, मेरी 45 साल की उम्र हो गई, तो हवा ही निकलेगी। गजल को आईना करने में वक्त लगता है, नई दुल्हन को संवरने में वक्त लगता है। कहना है कि गजल को आईना करने में वक्त लगता है, नई दुल्हन को संवरने में वक्त लगता है। और मरीज इश्क से कह दो कि ना हाय हाय करे, पुराने जख्म को भरने में वक्त लगता है। राजा साउंड, ये 500 रुपए टूटा हुआ ले रहा हूं, सब रहा यार हमें दे रहे हो। राजा भाई कंजूसी मत करो आज। अरे यार रजा भाई, शेर सुनो रजा भाई। खुली खुली जो आंखें वो मंदिर अजीब था, ऐसे जाए तो तुमको कैसे समझाता होगा। खुली खुली जो आंखें वो मंदिर अजीब था, रजा भाई दर्द था मगर वो दिल के करीब था, करीब था। ए शिवा, ढूंढते थे जिन्हें हम हाथों की लकीरों में, पता चला वो किसी और का नसीब था, पता चला वो किसी और का नसीब था, लेकिन जलते हुए अंगारों पे दिया धर रहा हूं मैं। देखिए हमें कोई मतलब नहीं है पेंटर साहब। रियाज भाई ने कहा है कि अभी भाई शेर ऐसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल शेर होंगे। ये शेर ये सुना रहा हूँ, सीडी बंद करो इसकी। दिल का अमीर था, मुकद्दर का गरीब था। क्या बात है, जो मोहब्बत नहीं होती। दिल का अमीर था, मुकद्दर का गरीब था, मिलके बिछड़ना उससे मेरा नसीब था, नसीब था। हम चाह कर भी रियाज कुछ भी ना कर सके, घर मेरा जल रहा था समंदर करीब था, घर मेरा जल रहा था समंदर करीब। शुक्रिया रियाज भाई। शिवा, इतने दिन से तू कहां पर थी, यूपी में देखी नहीं, ससुराल में। ये कह रही थी दूल्हा भाई के साथ था, ये ससुराल में थी अपनी। अभी कह रही थी कि धोखा दिया है वो दिया है, अब जरा सुनना। किसी की बातों में आकर
का मतलब क्या हो गया?